नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मस्जिद विवाद में नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने एमसी आयुक्त को पत्र लिखकर खुद अवैध निर्माण हटाने की रखी मांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण मामले में नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को संजौली मस्जिद कमेटी अध्यक्ष लतीफ और कमेटी ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को एक पत्र सौंपा है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर खुद अवैध निर्माण को हटाने की मांग की है। लतीफ ने कहा कि हम सब एक हैं, एमसी कोर्ट के फैसले से पहले ही हम अवैध निर्माण को खुद हटा देंगे यदि मंजूरी मिलती है, क्योंकि हमारी आपसी प्यार मोहब्बत खराब नहीं होनी चाहिए। उधर मामले में बुधवार को संजौली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज शिमला व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया और आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा। जनभवन को आहत कर रहे हैं सीएम सुक्खू, लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण। संजौली घटना पर बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि संजौली में अवैध मस्जिद बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करना व पानी की बौछारें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रकरण में सरकार की ओर से पहले दिन से ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जब ये स्पष्ट है कि मस्जिद अवैध है तो न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शन करने वाले लोगों को ही धमकाते रहे और सख्ती से निपटने की बात कर जनभावना को आहत करने का प्रयास करते रहे। सरकार इस मामले को हल करने, जनभावनाओं को समझने और उसका सम्मान करने में असफल रही। जो काम कानून के हिसाब से किया जा सकता था वो सरकार हाईकमान के दबाव में नहीं कर रही है। सड़क पर बेसहारा जानवर को बचाते समय निजी वाहन करीब 100 फुट खाई में गिरा। बस अड्डा सुजानपुर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर टेहरा रोड पर एक निजी वाहन सड़क पर बेसहारा पशु को बचाते समय आई टैन कार करीब 100 फुट खाई में गिर गई। निजी वाहन चालक नवीन शर्मा पुत्र देशराज निवासी बटुर्रा व वाहन में सवार दीक्षा पुत्री सुखदेव निवासी मेट को इस घटना में मामूली चोटें आई हैं। इस बात की जानकारी देते हुए सुजानपुर थाना कार्यकारी प्रभारी कुलदीप पटियाल ने बताया कि निजी वाहन के क्षतिग्रस्त होने के बाद वाहन चालक नवीन शर्मा व दीक्षा को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन फिनांसिंग प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिए 300 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 137.47 करोड़ की किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए फिनांसिंग प्रोजेक्ट के तहत जारी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में इस मामले को केंद्रीय मंत्री से उठाया था। उन्होंने राशि जारी करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का आभार जताया है। इसका काम वर्ष 2011 में शुरू हो गया था। बजट की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट लटक गया था। 50% काम हो चुका है। पहले प्रोजेक्ट पर 204 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन इसे विस्तार दिए जाने से अब 737 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। प्रोजेक्ट पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में खूब सियासत होती रही है। विधानसभा में भी कई बार ये मामला गूंजा है। सिंचाई प्रोजेक्ट से नूरपुर के हजारों लोगों को फायदा होगा। 5000 हेक्टेयर भूमि पर लोग खेती कर सकेंगे। अभी तक क्षेत्र के ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब यहां बांध बनाए जाने की भी योजना है। इसका भी 35 कार्य पूरा हो चुका है। बांध से 1.88 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। वहीं बांध में अतिरिक्त पानी डालने के लिए लिंक नहर, टनल, मुख्य नहर आदि कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही है हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर आई है। सरकार के उपक्रम प्रदेश पावन निगम के प्रतिष्ठित 100 मेगावाट के सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने देश की नवरत्न पावर कंपनियों को पछाड़कर राज्य सरकार के सीने पर तमगा जड़ दिया है। सेंज में बहने वाली पिन पार्वती नदी से प्रोजेक्ट ने 2810 मिलियन यूनिट बिजली के साथ 975 करोड़ रुपए की कमाई की है। लिहाजा पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने जहां प्रदेश सरकार का खजाना भर लिया है, वहीं प्रदेश सरकार इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत मान रही है। प्रदेश पावर निगम के मुख्यालय शिमला से मिली जानकारी के अनुसार सेंज हाइड्रो प्रोजेक्ट की बिजली ने 975 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। कर्ज के तले दबे राज्य के आर्थिकी को किसी संजीवनी की तलाश है। ऐसे में 100 मेगावाट का सेंज प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिकी का प्रमुख प्रोजेक्ट माना जा रहा है।
20 विद्यार्थियों की संख्या वाले 65 उच्च और 18 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में 20 विद्यार्थियों की संख्या वाले 65 हाई और 18 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिलों से डेटा एकत्र कर दिया है और सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इन 83 स्कूलों के नजदीक सटे स्कूलों और वहां पंजीकृत विद्यार्थियों की जानकारी भी साथ में दी जाएगी। शिमला में 40, लाहौल स्पीति में 22, किन्नौर में 9 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। कांगड़ा के 5, हमीरपुर के 3 और ऊना में कुल्लू चंबावा मंडी में 1-1 कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल हैं। बीते दिनों ही प्रदेश सरकार ने 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 419 प्राइमरी मिडिल स्कूल मर्ज किए हैं। प्राइमरी स्कूलों को 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में मर्ज किया गया है। मर्ज किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में दाखिले दे दिए गए हैं। यहां से शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बदलने की प्रक्रिया इन दिनों जारी है।